मुख्यमंत्री लुटेरा है और इसलिए छत्तीसगढ़ के अंधेरे को दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उसके तहत कल 1,00,000 युवा पूरे इस छत्तीसगढ़ सरकार से त्रस्त हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये पूरा माफिया राज हो गया है, यहाँ पर लोगों को ड्रग्स में डुबोया जा रहा है और इसके विरोध में कल 1,00,000 युवा छत्तीसगढ़ की धरती पर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आने वाले हैं। महिला मोर्चे ने उसके जागरण के लिए और भूपेश बघेल सरकार का जो अंधेरा है उसको दूर करने के लिए आज डी पुरेंद्रश्री जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी और सभी प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में महिला मोर्चे ने आज मशाल रैली निकाली है। और हम रायपुर शहर के लोगों से भी आह्वान करेंगे कि इस लुटेरी सरकार, इस काला बाजार करने वाली सरकार, ये माफिया सरकार, नौजवानों के साथ में अन्याय करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कल नगर निगम कार्यालय व्हाइट हाउस के सामने विशाल सभा रखी गई है और फिर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भाग लें, इसके लिए आज ये मशाल रैली निकाली गई है। रोकने की भी तैयारी है, वो रोक लें, ठोक लें, उनमें जितनी ताकत है वो लगा लें। भारतीय जनता पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता इस सरकार को ठोक के ही वापस जाएगा।